नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने इस चैनल अमित की रेमेडीज़ में। दोस्तों, सपने में अपना पुराना स्कूल अगर कोई देखता है तो उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। दोस्तों, सपने में पुराने स्कूल को देखने का मतलब बहुत शुभ माना जाता है। पुराने स्कूल को सपने में अगर कोई देखता है तो इसका मतलब है कि कार्य में सफलता मिलने का संकेत है, कार्य में वृद्धि होने का संकेत है, जीवन में सुख शांति आने के संकेत हैं। सपने में अगर कोई अपने पुराने स्कूल में खुद को पढ़ते हुए देखता है तो ऐसा इस माना जाता है, इसका ये अर्थ होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपके जीवन में वर्तमान में जो भी टेंशन्स, जो भी स्ट्रेस, जो भी परेशानियां, समस्याएं चल रही हैं वो दूर होने वाली हैं। उन परेशानियों से, उन टेंशन से, उन स्ट्रेस से, समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाली है। साथ ही आने वाला जीवन आपका बहुत ही सुखमय होने वाला है, बहुत ही सुखमय बीतने वाला है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी स्ट्रेस के, टेंशन के, आपका जीवन जो है वो चलने वाला है, सुखमय तरीके से जीवन चलने वाला है। यदि सपने में आप खुद को अपने स्कूल में एग्ज़ाम देते हुए देखते हैं तो इसका मतलब है कि जो भी आपके जीवन में कष्टों वाला समय था वो अब बीत चुका है, और आगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम में आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, पर आपको आने वाले समय में एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। आपके जीवन में आपको सफलता मिलेगी, और टेस्ट आप दे रहे हैं ऐसा देखते हैं, तो इसका मतलब यही है कि थोड़ा सा मेहनत आपको करना है और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। आपको यही टेस्ट देना है, यही एग्ज़ाम देना है कि आप कितना मेहनत करके आप अपने आप को सफलता के नज़दीक ले जा सकते हैं। इस सपने का ये अर्थ होता है। साथ ही सपने का अर्थ ये भी होता है कि आपको कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है, जीवन में सुख शांति समृद्धि मिलने वाली है। यदि सपने में आप देखते हैं कि आप स्कूल में लेट पहुंचते हैं और आप डर रहे हैं, तो ऐसा सपना कहता है, ऐसे सपने का मतलब ये होता है, ऐसे सपने का अर्थ ये होता है कि आप जीवन में किसी न किसी चीज़ को लेकर, किसी न किसी बात को लेकर परेशान चल रहे हैं। लेकिन आप अगर अपने पुराने स्कूल को देखते हैं, अपने आप को उस स्कूल में आप देखते हैं लेट पहुँचते हुए और आप डर रहे हैं, ऐसा आप देखते हैं, तो आप जो है अपनी चिंताओं से मुक्ति पाने वाले हैं, आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलने वाली है, ऐसा ये सपना कहता है। यदि सपने में आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं और आप खुश दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में समाज में मान सम्मान आपको मिलने वाला है, तरक्की मिलने वाली है, कामयाबी मिलने वाली है। जो कार्य आप जीवन में करना चाहते हैं वो आप करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी, कार्य पूरा होगा। यदि सपने में आप अपने पुराने स्कूल को गिरते हुए देखते हैं तो क्या होगा? तो इसका अर्थ है कि आप अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें। ये सपना आपको ये कहता है कि आपको आने वाले समय में सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, तो खास तौर पर अपने सेहत का आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। साथ ही अपने कार्य क्षेत्र में सच्चे मन से, अच्छे मन से, पवित्र मन से आपको कार्य करना है, वरना आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, बेसिकली अगर सपने में आप अपना पुराना स्कूल देखते हैं तो ये आपको कामयाबी दिलाने के संकेत है, जीवन में सुख समृद्धि शांति दिलाने के संकेत है, सक्सेसफुल बनाने के संकेत है, टेंशन समस्या परेशानी से मुक्ति दिलाने के संकेत हैं। ओवरऑल ये वाकई में बहुत शुभ संकेत माना जाता है, सिवाय इस सपने के कि अगर आप स्कूल को गिरते हुए देखते हैं। बाकी आप किसी भी रूप में अगर स्कूल को देखते हैं तो वो आपके लिए शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो अगर आप नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर कहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन, हमें हिम्मत मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टाटा।